गुड आफ्टरनून दोस्तों कैसे हैं आप सभी के सभी मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो एक बार बता दीजिए दोस्तों गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सिद्दकी सिल्क रजनी सौम्या अब्दुल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों और ये आज का जो चैप्टर है दोस्तों मार्शल आर्ट आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेशली दोस्तों दो साल पहले जो करंट अफेयर चल रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है खेलो इंडिया के अंदर में आंगता गतका इन सबको इं, इंक्लूड किया गया है इस कारण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत शॉर्ट क्रिस्प सेशन रहने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा मैं जानता हूँ ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत कम समय के अंदर में इस चैप्टर को हम निपटा देंगे ठीक है दोस्तों तो गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों और दोस्तों आप सभी के सभी मुझसे ऐप पर जुड़ सकते हैं ऐप पर आज ही जाकर फॉलो कर लीजिए ऐप पर जाकर सर्च कर सकते हैं प्रशांत तिवारी और मैं आपको मिल जाऊँगा ठीक है दोस्तों और आप सभी के सही मुझे आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कई सारे रेगुलर सेशंस मैं लेता रहता हूँ दोस्तों आप सो दोस्तों अन अकेडमी के कॉम्बैट से जुड़ सकते हैं कॉम्बैट से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है आप सभी को पता है कॉम्बैट से अगर आप जुड़ते हैं दोस्तों तो आपको कई सारे ऑफर मिलते हैं इवन अगर आप चाहें तो हंड्रेड आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ठीक है दोस्तों ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं बस कोड की अप्लाई करिएगा पी आर ए एस एच यही कोड आपको अप्लाई करना है ठीक है और ये देखिए बुक्स आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बुक्स अवेलेबल है सब कुछ अवेलेबल जल्दी से शुरू करेंगे आप सभी के सभी शेयर कर दीजिए तो हम बात कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स की मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स इन इंडिया दोस्तों आप सभी को पता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक तो मार्शल आर्ट आर्ट इंडिया में काफ़ी पुराने समय से दोस्तों और मतलब ये एक समय था जब वॉर के अंदर में भी यूज किया जाता था दोस्तों इसके साथ में एक और चीज़ देखिए मार्शल आर्ट सिर्फ और सिर्फ एक लड़ने का तरीका नहीं है ये यह हमारे यहाँ जो कल्चर है डायवर्स कल्चर क्योंकि अलग अलग रीजन में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों वहां पर अलग अलग टाइप के मार्शल आर्ट्स मिलते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए भी दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता इवन दोस्तों फेस्टिवल्स के साथ में इसका लिंक होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए अगर मान के चलिए आपके एग्जाम के अंदर में डायवर्सिटी के ऊपर में क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप सोचिए इस एंगल से भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मार्शल आर्ट के बारे में लिख कर आते हैं कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे स्पोर्ट्स में है फेस्टिवल में है रहने खाने में है लैंग्वेज में है एथनिसिटी में है कल्चर में है रिलीजन में है भाषा में है और साथ में दोस्तों वहां के अलग अलग जो डेली दिनचर्या के अंदर में चीजें इस्तेमाल की जाती है वो भी है तो दोस्तों ये आपके आंसर को और ज्यादा इंक्लूसिव बना देता है समझ रहे हो दोस्तों ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं ये पॉइंट्स हैं आपके लिए तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों और मार्शल आर्ट का मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसी आर्ट होना जो वॉर के साथ में इन्वॉल्व इसके साथ में वॉर के साथ इन्वॉल्व अब दोस्तों मार्शल आर्ट के अंदर में कई सारी चीजें लिंक्ड है डांस फॉर्म भी है योगा भी इसके अंदर इंक्लूडेड है समझ रहे हो दोस्तों योगा भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है कई सारे मार्शल आर्ट्स के अंदर में योगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं फिर कह रहा था मैंने कहा था एक बहुत ही क्रिस्प सेशन रहने वाला है मुश्किल से मेरे को लगता है ट्वेंटी मिनट्स के अंदर में हम आज जो मार्शल आर्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे ठीक है दोस्तों तो कलारी पयट्टू दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है इंडिया के अंदर में कलारी पयट्टू दोस्तों प्लीज याद रखिएगा कहां पर है केरला के अंदर में है थर्ड सेंचुरी बीसी के अंदर में इसके जिक्र पाया जाता है इवन जो Uh, संगम लिटरेचर्स है उनके अंदर में भी इसका जिक्र पाया जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कलारी पयट्टू दोस्तों कलारी पयट्टू प्लीज याद रखिएगा कहां से रिलेटेड है केरला से रिलेटेड है दोस्तों केरला से रिलेटेड कलारी का मतलब वैसे क्या होता है दोस्तों क्या होता है जिमनेजियम स्कूल टाइप में एक ट्रेनिंग टाइप का जहां पर जहां पर ट्रेनिंग की जाती है उसका मतलब होता है कलारी ठीक है दोस्तों कलारी पयट्टू प्लीज याद रखिएगा इस वर्ड का मतलब क्या स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कूल जिमनेजियम और ट्रेनिंग सेंटर प्लीज याद रखिए कलारी 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 तलवार या उसको नहीं कहा जाता का का मतलब कलारी का मतलब क्या है है वो जगह जहां पर ये चीज को को करा जा रहा है, स्पेशल लोकेशन को। प्लीज, याद है दोस्तों। प्लीज याद और दोस्तों इसके में, और अन आर्म्ड दोनों होते हैं एक आर्म्ड यानी तलवार लेके और एक अन होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहां पर ना कोई ड्रम बजाया जाता ना कोई सॉन्ग होता है प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा डबल मार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलारी पेटू से रिलेटेड और अगर आप में से लोग हिंदू न्यूज़पेपर को अगर फॉलो कर रहे आप सभी के सभी तो दोस्तों हिंदू न्यूज़पेपर में कलारी पेट्टू से रिलेटेड लास्ट वन ईयर के अंदर में मैं अगर गिन पाऊंगा तो सात से आठ एडिटोरियल या आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में या कहीं ना कहीं कलारी पेट्टू का जिक्र है दोस्तों ठीक है अब कलारी पेट्टू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों किसी भी वॉरफेयर के अंदर में या किसी भी कुश्ती कह लो या कुछ भी कह लो उसके अंदर में आपने समय मूवी भी देखी होगी दंगल तो पैरों के जो दाव पेच होते हैं ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे दोस्तों कलारी के अंदर में भी आपका जो फुटवर्क है पैरों की जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब दोस्तों कलारी के अंदर में कुछ वर्ड्स हैं उनको जरूर याद रख लेना हो सकता है ये सात आप सबने सबने याद कर लिया कि भैया केरला से है केरला से कलारी पयट्टू वो ये पूछे ही ना वो कलारी पयट्टू के अंदर में कुछ पूछ लें जैसे

जो तलवार से लड़ा जाता है उसको पुलिसम बोला जाता है विरुम कमकाई ये क्या है दोस्तों ये प्लीज याद रखना सिर्फ हाथ से जो लड़ाई करी जाती है उसको बोला जाता है दोस्तों ठीक है दोस्तों अंग थारी अंग थारी क्या है दोस्तों मेटल वेपन ठीक है और कोल थारी जो स्टिक से बना होता है प्लीज याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इतना हिस्सा ये इतना सेक्शन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है ठीक है दोस्तों क्लियर है कलारी पयट्टू

एक तो दोस्तों ये लोकेशन जरूर याद रखना मैथ द फॉलोइंग करके आ सकता है कलारी कहां से केरला से रिलेटेड है सिलंबम कहां से है तमिलनाडु से रिलेटेड है प्लीज याद रखिए प्लीज याद रखिए प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों और सिलंबम का जो रेफरेंस है दोस्तों शिल्पादिकरम दोस्तों ये बार बार इसका जिक्र हो रहा है दोस्तों आप सोचिए प्लीज याद रखिए शिल्पाधिकरम के अंदर में सिलंबम का जिक्र मिलता है तमिल लिटरेचर के अंदर कब सेकेंड एडी के प्लीज दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से हमारी हिस्ट्री पता चलती है अब देखिए यहां से हमें एक और चीज पता चलती है ट्रेडर्स ट्रेडर्स के साथ में सिलंबम सेव जो होती हैं पर्स जो होते हैं स्वर्ड होते हैं वो ट्रेड किए जाते थे समय यहां से दोस्तों एक और चीज पता चलती है कि सिलंबम तो होता ही था साथ में दोस्तों ट्रेड भी होता था विदेशों के साथ समझ रहे हो ना ये चीजें रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है दोस्तों ठीक है और ये जो आर्ट है ये मलेशिया में भी जा चुका है दोस्तों और वहां का फेमस स्पोर्ट बन चुका है इस समय मलेशिया के अंदर में वहां का फेमस स्पोर्ट बन चुका है प्लीज याद रखिएगा सिलंबम कहां से रिलेटेड है तमिलनाडु से रिलेटेड है

थांग के अंदर में हम क्या लेके रखते हैं वेपन हाथ में क्या लेके रखते हैं आर्म लेके रखते हैं तब लड़ते हैं और दूसरी तरफ में सरित सड़क के अंदर में हाथों से लड़ाई होती है गुत्था हाथों से ठीक है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा प्लीज प्लीज यहां से तीन चार क्वेश्चन आपके लिए बना सकते हो ठीक है दोस्तों ठीक है थांग का मतलब होता है सोर तलवार और ता का मतलब होता है स्पेयर ठीक है दोस्तों भाला ठीक है दोस्तों क्लियर है ठीक है अब खुद सोचो थांगता और सरित सरक को मिला दिया जाए दोस्तों तो ह्यून लैंगलॉन्न बोला जाता है ये देखो अगर मान के चलो ये क्वेश्चन आ जाए कि ह्वेन किंग कहां से रिलेटेड है तो आप कंफ्यूज हो गए कहां से रिलेटेड क्योंकि पढ़ा ही नहीं है सबने सिर्फ थांगता पढ़ा हुआ है सरित सरक भी नहीं पढ़ा होगा काफी मैक्सिमम लोगों ने तो अब देखिए इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है टूगेदर ह्यून लैंगलोंग प्लीज याद रखिएगा दोस्तों प्लीज याद रखिएगा डबल स्टार मार्क कर लो इसे डबल स्टार मार्क कर लो ठीक है क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगले अगले उस पर बढ़ते हैं अगला आता है के बी गदगा के बी गदगा ये कहाँ से रिलेटेड है दोस्तों ये भी मनीपुर से रिलेटेड है कहां से मनीपुर से रिलेटेड है स्वॉर्ड की फाइटिंग होती है और शील्ड देखिए तलवार और ये देखिए शील्ड इसकी फाइटिंग होती है। अब दोस्तों इसको धीरे धीरे चेंज कर दिया गया है अब शॉर्ड लेदर शील्ड लगा दी गई है लेदर का वो प्लेस लगा दिया गया स्वॉर्ड की जगह पे जिससे किसी को चोट ना लगे प्लीज याद रखिएगा दोस्तों और इसके अंदर में क्या होता है एक सर्कल बना दिया जाता है ठीक है सेवन मीटर के डायमीटर का एक सर्कस बना सर्कल बना दिया उसके अंदर में लड़ा जाता है ठीक है ठीक है क्लियर है के बी गदा गदगा ठीक है क्लियर है क्लियर है दोस्तों मुझे पता है आज मैक्सिमम बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया अब दस पंद्रह दिन का टाइम रह गया प्लीज याद रखिएगा सात मीटर के उसके अंदर में किया जाता है डायमीटर के सर्कल के अंदर में किया जाता है बस याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं परिखंडा ये राजपूतों ने शुरू किया था और बिहार के अंदर बहुत फेमस है क्या है परिखंडा बिहार के अंदर में बहुत फेमस है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा और इसको क्या है छाऊ जो डांस होता है ना उसके साथ भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्लीज याद रखिएगा किसने शुरू किया था राजपूतों ने किया था और कहां पर है बिहार के अंदर में बहुत ज्यादा तो आपके एग्जाम में आ जाए मान के चलिए स्टेटमेंट आ जाए परिखंडा खंडा ये क्या है डांस फॉर्म है फोक सिंग म्यूजिक है सिंगिंग फॉर्म है म्यूजिकल वो है और या फिर ये क्या है मार्शल आर्ट तो आपको ये पता होना चाहिए मार्शल आर्ट है परिखंडा किससे रिलेटेड बिहार से रिलेटेड है है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आता है थोड़ा. थोड़ा. ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ था और बहुत ही तगड़ा है दोस्तों ये इसमें स्पोर्ट्स भी है कल्चर भी है और आपका मार्शल आर्ट भी है और ये दोस्तों बैसाखी के समय किया जाता है वैसाखी के समय किया जाता है और गॉडेस जो माता है मासू और दुर्गा जी के लिए किया जाता है उनके सामने परफॉर्म किया जाता है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज याद रखना होडा से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश दोस्तों ठीक है क्लियर है क्लियर है दोस्तों ठीक है अब इसके अंदर में दो टीम होती है अब देखो इसके अंदर में रिलेवेंस देखो क्या है दो टीम होती है एक पाशीज होते हैं और एक साथीज होते हैं कौन पाशीज और साथी अब ये दोनों के दोनों पता है क्या है आप महाभारत अर्जुन ना तो ये दोनों के दोनों उनको करते हैं लड़ाई कर रहे हैं ठीक है दोस्तों क्लियर है ठीक है और घुटने से नीचे मारने की कोशिश की जाती है हमेशा घुटने से नीचे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा हो गया अगला आ गया गतका गत्का। गत्का इसे वेपन मार्शल आर्ट से रिलेटेड है दोस्तों पंजाब से रिलेटेड। दोस्तों, थांगता, थांगता, और और, दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इस बार के एग्जाम के लिए तो गतका कहां से रिलेटेड है, है परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिस करते हैं कहां पर पंजाब के अंदर में दोस्तों प्लीज याद रखिएगा ठीक है गतका ठीक है क्लियर है क्लियर है मेरे दोस्तों अगला है मर्दानी खेल मर्दानी खेल कहां पर महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के अंदर में और ये दोस्तों शिवाजी ने इसको शुरू किया था मर्दानी खेल छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स मराठा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है इस समय पर इसलिए हो सकता है आपका जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बहुत ज्यादा परफॉर्म किया जाता है मर्दानी खेल प्लीज याद रखिएगा किससे रिलेटेड है महाराष्ट्र से रिलेटेड है? रिलेटे है प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों क्लियर है लाठी आपने जनरली यूपी वगैरह में हर जगह पे यूपी बिहार में सुना होगा लाठी ये भी एक स्पोर्ट का रूप होता है दोस्तों लाठी चलाना खेलना भी किया जाता है लाठी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस की जाती है ये भी याद रखिएगा लाठी प्लीज याद रखिएगा हमारी कंट्री में ओल्डेस्ट वेपन में से एक गिना जाता है इसे लाठी मार्शल आर्ट के अंदर और इवन आपने पुलिस वगैरह के साथ पास भी देखा होगा इस समय पर और ये आपके पंजाब हो गया बंगाल हो गया इवन उत्तर प्रदेश के भी कई सारे जो गांव हैं विलेजेस हैं वहाँ पर लाठी ऐसे लड़ना दोस्तों घूमे के चारों तरफ में रहते हैं वहां परफॉर्म किया जाएगा प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों चलिए अगला आता है इनबॉर्न रेसलिंग अगला कौन सा है इनबॉर्न रेसलिंग कहाँ से रिलेटेड है मिजोरम से रिलेटेड है डबल स्टार मार्क करो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जहां पर भी आ रहा है ना डबल स्टार मार्क कर लो कहां से रिलेटेड है मिजोरम से रिलेटेड है ठीक है दोस्तों क्लियर है ठीक है सर्कल से बाहर निकालो मतलब एक तरह की कुश्ती है ठीक है और घुटने पे लाना होता है या फिर वैसे करके उनको बाहर निकालना होता है सर्कल से बाहर निकालना होता है कहां से रिलेटेड है मिजोरम से रिलेटेड बस अगला आ गया कट्टू वरसाई प्लीज याद रखना दोस्तों अभी हमने सिलंबम देखा था ना सिलंबम सिलंबम देखा था ये क्या है एम्प्टी हैंड यानी कि इसमें हाथ में कुछ नहीं तो हाथों से कॉम्बेट किया जाता है संगम लिटरेचर में इसका जिक्र मिलता है दोस्तों तमिलनाडु में किया जाता है प्लीज याद रखिएगा इवन श्रीलंका में प्रैक्टिस किया जाता है सिलंबम मलेशिया के अंदर प्लीज याद रखिएगा कट्टू वरिसाई इसे प्लीज याद रखिएगा प्लीज याद रखिएगा प्लीज प्लीज डबल सा मार्क कर लीजिएगा कुट्टू वरिसाई एम टी हैंड सिलंबम ठीक है अभी हमने वेस्ट बंगाल में ही तो बोला वो जो लाठी प्रैक्टिस की जाती है ठीक है मुस्टी बॉक्सिंग देखिए ना बॉक्सिंग वैसे मुट्ठी मुट्ठी को मुस्टी बोला जाता है मुस्टी तो याद रखिएगा कहाँ पे वाराणसी में ओरिजिनेट हुआ था वाराणसी में ओरिजिनेट हुआ था ठीक है प्लीज याद रखिएगा बस बस ठीक है दोस्तों बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना और जड़ संधि मतलब क्या नाम है आप पूरा का पूरा स्ट्रेंथ रखें उसके अंदर में जरा संधि जिसको बोला लास्ट तक जो अपने शरीर को

ठीक है बुद्धिज़म रह गया और उसके साथ में अब क्या रह गया है और आर्किटेक्चर रह गया और फिलोसफी ये कंप्लीट होते ही आपका मैंने आपको कहा है तीस तारीख तक आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है तीस तारीख तक ये हम कर देंगे ठीक है तो आप सभी से मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐप पर और ये सारी की सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं पी आर ए एस एच कोड है मेरा आप सभी के सभी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ये बुक्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बुक्स अवेलेबल हैं दोस्तों अन अकेडमी प्रशांत तिवारी टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए ठीक है क्लियर है दोस्तों क्लियर है और आप सभी के सभी कोर्स भी परचेस कर ही सकते हैं सारा का सारा चीज़ें अवेलेबल हैं एक महीने का और जैसे गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलता है उसके अंदर में आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल आप सभी के सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले सेशन में बाय बाय टेक केयर दोस्तों जय हिंद अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ते रहिए अगले सेशन में मिलेंगे ठीक है